जय सियाराम। जय सियाराम। कौन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होत तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। हनुमान जी की आराधना करने वाला व्यक्ति हमेशा निर्भय हो जाता है, और हनुमान जी ऐसे देवता में कभी असफल नहीं रहे, जिस कार्य में हाथ डाला सफल रहे। कौन सा ऐसा कार्य है जो हनुमान जी कर नहीं सकते? इसलिए उनके भक्तों की भी अच्छी तादाद है, लोग हनुमान जी के बारे में जानना भी चाहते हैं। आज हम पंडित जी से चर्चा करेंगे। पंडित लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका पंडित जी। राम राम पंडित जी। राम राम जी। जी, आज तो हम लोग पंडित जी से हमने आग्रह किया है कि पंडित जी कोई ऐसा चमत्कारिक मंत्र बताएं, और खासकर आज के समय में चारों तरफ जहाँ भय है, निराशा है, रोग से लोग ग्रसित हैं, तमाम तरह की आशंकाएं हैं, कोरोना महामारी है, ऐसे में हनुमान जी का कोई ऐसा चमत्कारिक मंत्र जिसे जपने के बाद व्यक्ति सालों भर निरोग रह सके, निश्चिंत रह सके, उसे किसी प्रकार का भय, निराशा, आशंका नहीं घेर पाए। पंडित जी, कोई ऐसा चमत्कारिक मंत्र हनुमान जी का आप बताइए। अवश्य बताएंगे। हम सभी दर्शकों से निवेदन है कि पहले हनुमान जी महाराज का हम ध्यान करते हैं जी। हाथ जोड़ करके ध्यान का मतलब ऐसा होता है कि किसी भी देवता का कैसे स्वरूप है, भगवान के हाथों में कौन से धारण करते हैं। हनुमान जी महाराज के हाथ में गदा है, और हनुमान जी के हृदय में श्री सीताराम जी का ही सदैव निवास रहता है। ऐसे भक्त वत्सल हनुमान जी की वंदना कह ले, गुणगान करें हनुमान जी महाराज का। शांतम सत्व प्रेम मनिघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम वेदांते वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम स्वर्गुरुम माया मनोश्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणिम भोपाल चूड़ामणिम। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। हम समस्त दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जो भी हमारे संसार में जो भी हम जीव हैं, जो भी मनुष्य हैं, हमारे जो भी दुख हैं, कष्ट हैं, उन दुख कष्टों से निवृत्ति के लिए हमें हनुमान जी महाराज की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी का कोई ऐसा नहीं कि जैसे बोलते मंगलवार ही दिन है, मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगल में हनुमान। हनुमान जी महाराज का तो शुभ दिन मंगल ही माना जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। भगवान की आराधना तो प्रत्येक दिन कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज की आराधना का विषय प्रत्येक दिन है, और प्रत्येक दिन ना कर सके तो मंगलवार को तो श्रेष्ठ हनुमान जी का वार होता ही है। जो भी भक्त हैं, अपने दुख और कष्टों से जो भी रोग हैं, व्याध बाधाएं हैं संसार में, उन रोग और व्याध बाधाओं से मुक्ति के हितार्थ है हमें हनुमान जी की पंचोपचार से, छोटी पूजा है पंचोपचार, वैसे 16 उपचार की पूजा कही गई अपने शास्त्रों के अनुसार, लेकिन पंचोपचार पूजा, पंचोपचार पूजा क्या है कि सुंदर हमें अपना बढ़िया सुंदर स्नान ध्यान आदि करके मन को पवित्र करके, हमारी जो वाणी है, वाणी को भी श्री सीताराम नाम का गुणगान करके, हमारी जो वाणी है, वाणी में कई विचार आते हैं, उन विचारों को रोक करके हमें भगवान के चरणों में और भगवान के ही सम्मुख बैठ करके भगवान नाम का गुणगान करना चाहिए। भगवान नाम का गुणगान पहले श्री सीताराम का गुणगान करें। सीताराम 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 कहिए जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। चाहे सीताराम का गुणगान करें, चाहे श्री हनुमान जी महाराज का गुणगान करें, क्योंकि हनुमान जी सेवक हैं। श्री सीताराम जी का जो गुणगान करता है उसे हनुमान जी जल्द से जल्द प्राप्त होते हैं। इसलिए हनुमान जी के पंचोपचार पूजा क्या है, पंचोपचार पूजा में जल, लाल पुष्प, धूप, दीप
और नैवेद्य हो सके तो ठीक है, और नहीं तो कुछ ना कुछ फल होना चाहिए, ऋतु फल, कोई लाल फल। हनुमान जी महाराज को लाल फल अति प्रिय है। जैसे हनुमान जी महाराज ने सूर्य को लाल फल ही मान करके तो अपने अंदर ग्रहण कर लिया था, तो हमारा संसार अंधकार में हो गए, सभी देवी देवता आश्चर्यचकित हो गए, पृथ्वी पर आकर के सब सोचने लगे क्या इतना अंधकार हो गया। इसीलिए हनुमान जी महाराज को लाल फल का विधान है, सेब अनार या कोई भी लाल फल ले सकते हैं। पंचोपचार पूजन के लिए सुंदर बढ़िया ध्यान इत्यादि करके लाल वस्त्र धारण करके चाहे अगौछा लगा लें या कोई लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। आसन जो हो वही पवित्र सुंदर कुशा का हो, कुशा का यदि ना हो सके तो लाल आसन कोई ना कोई, जैसे आजकल कंबल के आते हैं उन्हें स्वच्छ कंबल, क्योंकि शुद्ध होता कभी पवित्र रहता अपवित्र नहीं होता है, कुशा कंबल पवित्र रहता है, उसमें बैठ करके ध्यान करें हनुमान जी महाराज का कि हनुमान जी का स्वरूप कैसा है। भगवान का ध्यान कहाँ पे करना चाहिए, नीचे से चरणों से भगवान चरणों का से। चरणों में ध्यान लगाएं, भगवान के चरणों में ध्यान लगाएं कि भगवान के कितने सुंदर चरण हैं, इन चरणों में हमारा नमस्कार स्वीकार हो, और सीताराम जी के चरणों में ध्यान करके और हनुमान जी महाराज की वंदना करें कि बताओ हनुमान जी महाराज सीताराम जी को कितना स्मरण करते थे। उसी भावना से और अपने मन भावना को जागृत करना चाहिए मनुष्य और जीव को, और भगवान के सुंदर मंत्र का जाप करें। वो मंत्र कौन सा है, मंत्र इतना सुंदर है कि मंत्र को जैसे जो भी दर्शक हैं उसे लिख भी सकते हैं, और वैसे आजकल यूट्यूब के माध्यम से भी वो मंत्र को निकाल सकते गूगल के द्वारा, लेकिन वो मंत्र कौन सा इतना सुंदर है, ओम नमो हनुमते रुद्रा अवताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्यकोटि संप्रभाय रामदूताय स्वाहा। दूसरी बार इस मंत्र का हम पुनः वृत्तीकरण करते हैं जी। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महावलाय सूर्यकोटि प्रभाय राम दूताय स्वाहा। इस मंत्र का हमें कम से कम एक माला, कम से कम एक माला तो होनी चाहिए, 108 108 मंत्र का जप करें, और अवश्य ही मनुष्य को सवा महीने के बाद 41 में दिन के बाद उसे ऑटोमेटिक अपने में भक्ति जागृत हो जाएगी, और वह भक्त जो हनुमान जी का हो गया उसके लिए इस संसार में कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि हनुमान जी इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। हनुमान जी महाराज कलयुग के देव हजार तुम्हें हनुमान तुम्हारा क्या कहना, हनुमान जी महाराज तो कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। हम जो इधर उधर भटक रहे हैं ना ज्योतिषियों के पास या कोई तांत्रिकों के पास, तो भगवान के ही चरणों में हमें भक्ति अपनी जागृत करें, भगवान के ही चरणों में भगवान को ही अपना इष्ट माने, भगवान और हनुमान जी महाराज की ही सेवा करें तो उसे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। वह इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, इतनी हनुमान जी की कृपा है। और हनुमान जी का संलग्न फलग्न होकर के, क्योंकि वो तो संत हैं, हनुमान जी महाराज को बहुत से लोग आते मंदिर, पंडित जी हनुमान जी की पूजा लेडी जो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, आरती करती अंजना माई, जब उनकी माँ अंजना हनुमान जी महाराज की आरती कर रही हैं, हम भी तो उनके लिए माता हैं, पिता हमारे हैं, कोई भी रिश्ता रखें हम उनके पुत्र हैं पुत्री हैं, भगवान तो हमारे भगवान ही, जब उनकी माँ ही आरती कर रही हैं तो हम उनके लिए कोई पवित्रता और शुद्धता का ध्यान रखते हुए जी कोई भी हनुमान जी का पूजन कर सकता है, कोई भी कर सकता, कोई ऐसा नहीं है। और जैसा कि पंडित जी ने बताया उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। और हनुमान जी का पूजन करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे, वैसे भी हम अपने उपास्य की तरह जो उपासक है
होने लगता है जी, जब जी, उसकी शरण में जाता है तो हनुमान जी के शरण में जाने वाले व्यक्ति का बल, शौर्य, चारित्रिक गुण, इसके वृद्धि होने लगती है, उसका विकास होने लगता है। और निश्चित तौर पे सालों भर इस मंत्र को जपा जाए तो तमाम तरह की आशंकाएं, जो रोग है, जो परेशानियां हैं, वो समाप्त हो जाएंगे उस व्यक्ति के जीवन से। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत अच्छी सुंदर लगा, बहुत अच्छा। राधे राधे, जय हनुमान जी महाराज की जय, जय सीता रामचंद्र भगवान की जय।